हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमबी फैक्ट्स। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक नया कंपैरिजन वीडियो, जहां आज हम भारत के दो खूबसूरत और फेमस स्टेट्स के बीच कंपैरिजन करेंगे। बता दें, है कंपैरिजन जीडीपी से लेकर एरिया और लिटरेसी रेट से लेकर फेमस फूड जैसे 10 से भी ज़्यादा फैक्ट्स के बेसिस पर होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। आइए दोस्तों, पहले कर्नाटका के बारे में जानते हैं। कर्नाटका साउथ इंडिया में स्थित बेहद ही खूबसूरत राज्य है, जिसको प्राकृतिक सुंदरता का आशीर्वाद प्राप्त है। शायद इसी कारण से इसको साउथ इंडिया का पर्यटन हब भी कहा जाता है। कर्नाटक में ऐतिहासिक इमारतों से लेकर मनोरम हिल स्टेशन दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वहीं दूसरी ओर गुजरात की बात करें तो गुजरात पश्चिमी तट पर स्थित भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में गिना जाता है। बता दें कि गुजरात को महापुरुषों की धरती के नाम से भी जाना जाता है। आज गुजरात अपने तेजी से बढ़ती आर्थिक विकास की दर और ऐतिहासिक धरोहरों के कारण पूरी दुनिया में फेमस है। दोनों राज्यों की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो कर्नाटका की जीडीपी आज 2020 में 220 बिलियन यूएस डॉलर है। वहीं गुजरात की जीडीपी आज 2020 में 269 बिलियन यूएस डॉलर है। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो कर्नाटका की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% है, वहीं गुजरात की जीडीपी ग्रोथ रेट 11% है। पूरे भारत में दोनों राज्यों की जीडीपी रैंक देखें तो कर्नाटका फोर्थ नंबर पर आता है, वहीं गुजरात थर्ड नंबर पर आता है। दोस्तों, एरिया यानी क्षेत्रफल की बात करें तो कर्नाटका का एरिया 191,791 किलोमीटर स्क्वायर है, वहीं गुजरात का एरिया 196,024 किलोमीटर स्क्वायर है। दोनों राज्यों की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो कर्नाटका की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी बेंगलोर है, वहीं गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, वहीं इसका सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। दोस्तों, दोनों राज्यों की लैंग्वेजेज यानी भाषाओं की बात करें तो कर्नाटका की ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़ है, वहीं यहाँ पर उर्दू, मराठी, तुलु एंड तेलुगु भाषाओं का भी यूज़ किया जाता है। वहीं गुजरात में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा गुजराती है। वहीं यहाँ पर हिंदी, सिंधी, उर्दू एंड अदर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। दोनों राज्यों में रिलीजन यानी मजहब की बात करें तो कर्नाटका में एक ओर जहां 84% हिंदू, 12.92% इस्लाम, 1.87% क्रिश्चियन, 0.72% जैनिज और बाकी धर्म के लोग रहते हैं, वहीं गुजरात में 88% हिंदू, 9.67% मुस्लिम, 0.52% क्रिश्चियन, 0.10% सिख एंड अदर रिलीजन के लोग रहते हैं। दोस्तों, अब दोनों राज्यों में कुछ खाने पीने की बात करते हैं तो कर्नाटका में आपको नीर डोसा, मैसूर का मसाला डोसा, हालबाई, कुर्ग की पांडी करी, मैसूर पाक, आलू गेड्डा, कोरी गस्सी, कुंडापुरा कोली सारू और रावा केसरी खाने को मिल जाएगा। वहीं गुजरात में आपको बाजरे की रोटी, खमन ढोकला, थेपला, जलेबी फाफड़ा, खांडवी, हांडवो, मुथिया, खाकरा और गुजरात की कड़ी खाने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं दोनों राज्यों के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की। तो कर्नाटका में आप मैसूर पैलेस, लालबाग बॉटेनिकल गार्डन, श्री विरूपक्ष टेंपल, क्यूबन पार्क, बैंगलोर पैलेस, कूर्ग और बादामी घूमने के लिए जा सकते हैं। वहीं गुजरात में आप अहमदाबाद, गांधीनगर, कच्छ, गिर नेशनल पार्क, सोमनाथ टेम्पल, वडोदरा, द्वारका और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं में घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, दोनों राज्यों की पॉपुलेशन की बात करें तो कर्नाटका की पॉपुलेशन आज 2020 में 6.41 करोड़ के आसपास है, वहीं गुजरात की पॉपुलेशन आज 2020 में 6.27 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोगों की बात करें तो कर्नाटका में 84% लोग पढ़े लिखे हैं, जबकि गुजरात में 86% लोग पढ़े लिखे हैं। तो दोस्तों, यह था दोनों स्टेट्स के बीच में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर